हाथरस मामले में हो रही जांच एक ऐसी रहस्यमय महिला पर आकर टिक गई है जो अचानक आई और अचानक गायब हो गई। पुलिस हैरान थी, एसआईटी परेशान थी, वो ये सोच रहे थे कि आखिर वो कौन थी जो पीड़ित परिवार के साथ हर समय साथ में दिखाई दे रही थी, और जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वो गायब हो गई। हाथरस केस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश रची गई। हाथरस मामले ने यह बता दिया कि कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा के बीच बो रहे हैं। इस मामले में क्या नहीं हुआ, रेप की अफवाह फैलाई गई ताकि लोग हिंसा पर उतारू हो जाएं। जीप काट लेने की झूठी खबरें फैलाई गई ताकि सामाजिक ताने बाने का आशियाना घृणा की लपटों में तहक हो गए। इस साजिश की कई परतें खुली तो क्या एक महिला जो पीड़िता के नाम पर गुस्से में कुछ भी कर गुजरने की बात करती थी, उसकी तलाश शुरू। पुलिस को न इसके नाम की जानकारी थी, ना ही इसका पता मालूम था। पीड़िता के परिवार को भी खबर नहीं थी कि वो कौन थी। जैसे ही पुलिस ने पीड़ित परिवार के लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की, वैसे ही महिला गायब हो गई। किसी को भी नहीं पता था वो कहां गई। पीड़िता के परिवार के यहां सीसीटीवी कैमरे लगते ही गायब हुई महिला। कोई भी राजनीतिक या सामाजिक प्रतिनिधि मंडल आता था तो ये महिला परिवार के साथ मौजूद रहती थी, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पीड़िता के घर में रह रहे लोगों के नाम लिस्ट में दर्ज किए, वैसे ही ये महिला गायब हो गई। जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन थी। पुलिस के साथ एसआईटी ने भी महिला की तलाश शुरू की, क्योंकि हाथरस मामले की आड़ में हिंसा और जातीय दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसकी वजह से पीड़िता के परिवार के साथ हर व्यक्ति की मौजूदगी एक सवाल थी, और जांच शुरू होते ही अचानक गायब हो जाना शक में बदल गया। इस महिला की तलाश में जबलपुर तक पहुंची एसआईटी की जांच। हाथरस मामले में इस महिला के कनेक्शन के लिए एसआईटी जबलपुर तक पहुंची। अब इसकी पहचान और ये तलाश पूरी हो चुकी है। अपनी अलग अलग पहचान बताने वाली ये महिला जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राजकुमारी बंसल है। ये फॉरेंसिक विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है। जी मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने माना कि वो हाथरस के पीड़ित परिवार के घर में रह रही थी, लेकिन ना तो वो पीड़िता के रिश्तेदार हैं और ना ही उनका कोई नक्सल कनेक्शन है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है, परिजनों ने भी ऐसा कभी नहीं बोला है कि ये भाभी हैं, और दंगा भड़काने के लिए कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। और मैं केवल अकेले गई थी, मैं मानवता के तौर पे वहाँ पर गई थी, और बाकी मैं जो भी आगे की जांच में मैं पूरा सहयोग करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्लियर हों चीज़ें और देश पूरा देखे कि सच्चाई क्या है। आरोपी महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल के मुताबिक वो छुट्टी लेकर 4 दिन तक पीड़ित परिवार के घर रही थी और परिवार की आर्थिक मदद भी की ताकि उनका मनोबल बढ़ा सके। मैंने जब बताया कि मैं अकेले आई हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे आई हूँ, मैं बहुत विचलित थी पिछले 3-4 दिन से, और मेरे को आना ही पड़ा क्योंकि आप लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, नज़रबंद कर रखा था आप लोगों को, तो फिर मुझे लगा कि मैं आना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें बताई तो उनको लगा कि चलो इस बेटी ने इतना साहस किया, इतना रिस्क लेके यहाँ तक आई है, तो फिर उनको अच्छा लगा। हाथरस कांड में रहस्यमय महिला के बारे में जब परिवार से पूछा गया तो पीड़िता की भाभी ने इस महिला को रिश्तेदार बताया। उनके रिश्ते में तो जो भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, तो अब ये भोपाल से, अहमदाबाद से, जो मुंबई से सारे लोग आए तो सब ऐसा घोषित कर दिया। वहीं हाथरस मामले में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राजकुमारी बंसल का नाम आने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रदीप ने शो कॉज नोटिस जारी करने की बात कही। डॉक्टर राजकुमारी बंसल 3 तारीख से 6 तारीख तक CL की एप्लीकेशन देकर फार्माकोलॉजी विभाग में गई थी, उसने सिर्फ ये लिखा था कि मुझे बाहर जाने की अनुमति दी जाए। हाथरस मामले में एजेंसियों की जांच में इस महिला की संदिग्ध मौजूदगी और अचानक गायब होने के रहस्य को सुलझाया तो गया, लेकिन यह महिला जबलपुर से वहाँ क्यों आई और अचानक क्यों चली गई, यह अभी भी एक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.